Good morning everybody, how are you? Hope you will be doing very well. This is Sunil and today we are going to discuss another interesting topic, that is past simple. Dear friend, we have already discussed about present tense. I mean already present tense ko complete kari deiche. Present tense ko jemiti char bhagre vibhakta kari complete kari chu. Present simple, present progressive, present perfect progressive. Likewise, आमे past tense को मध्य आमे सही भली भावरे पढ़ीबा। कौन आमर विषय आज देखो तू आपन करो past tense, okay? Past tense रो कौन पढ़ीबा? First simple पढ़ीबा, okay? Past tense को चारी भागरे विभक्त करा जाए ची कौन कौन? Past simple को आउ past indefinite मध्य को आ जाए indefinite. Okay, past indefinite, then your second topic is past progressive, okay, past progressive, your third is past perfect, fourth one is past perfect progressive, okay, past perfect progressive, yeah, your continuous. Yes, past progressive otherwise known as past continuous, past perfect progressive ya past perfect continuous. Amara topic aji rahibo ame padhiba kono past simple ko padhiba. Past simple re kono hoithai dekantu je konosi karjo jodi अतीतरे recent past रे सॉरी जाई थिबो एवं ताहा को जदि एबे आमे एक्सप्रेस करिबा तेबे आमे past simple टा व्यवहार करिबा. ओके, फॉर एग्जांपल मु खाइली, मु बोलिली, मु हसिली, से आसिले, से गले, मो स्त्री मो पाई खाइबा बनेले, ओके, मो लुगा सफा करि देले, एमिति क्षेत्र रे आपण कोन कहबे past simple लगाइबे. ओके, past simple रे कौन है थे? जेमिति कि आपण करो जे कोनोसी सेंटेंस गढीबा पई हेले बा टेंस को व्यवहार करबा को हेले आपण कहा ऊपर निर्भर करै थांती वर्ब ऊपर निर्भर करै थांती. वर्ब ऊपर निर्भर केमिति करै थांती? जेमिति कि वर्ब रो विभिन्न फॉर्म रहै छी, जेमिति कि b1 b2 b3 b4 b5 रहै छी. V1 रे कौन होइ थाय, V2 रे कौन होइ थाय, V3 रे कौन होइ थाय, V4 रे कौन होइ थाय, आमे एहा को भलो भाबे रे जानिबा उचित. जेमिति कि V1 रे गोट वर्ड नो छि स्पीक, ओके, स्पीक माने कौन? स्पीक माने कहिबा. तापर कौन हेबो? स्पोक, स्पोक माने कहिला. तापर कौन हेबो? स्पोकन, स्पोकन माने कहिला, कहिथिला, कहि अछि बा कहिथिला, ओके. तापर आपण कौन करिबे? स्पीकिंग लगेबे. कौन करिबे? स्पीकिंग. तापर कौन करिबे? आपण करो स्पीक, ओके, स्पीक्स. तो आपण करो v1 रे एहा को v1 को बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मध्य को आ जे. एटा हला पास्ट फॉर्म, एटा पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एटा हला आपण करो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. एहा होची आपण करो v5 रे आपण करो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट सिंपल रे यूज हे थाई ये सब. तो आमरो टॉपिक रहइबो ये दुइटा v1 एवं v2 को केमिति भाबरे आमे व्यवहार करिबा से विषय रे आमे पास्ट सिंपल रे जानिबा. देखंतु जदी आपण करो पास्ट टेंस रो पास्ट सिंपल आमे पढुछु, पास्ट सिंपल रे कोन हेइ थए? आपण करो सब्जेक्ट व्यवहार हेबो, तापरे आपण करो v2 व्यवहार हेबो, तापर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंटरी व्यवहार हेबो आपण करो पॉजिटिव सेंटेंस रे. को सेंटेंस रे? पॉजिटिव सेंटेंस रे. पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस रे. ओके, सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस रे आपण करो सब्जेक्ट प्लस v2 प्लस ऑब्जेक्ट व्यवहार करबो. उदाहरण स्वरूप ओके मु कहू छी आई स्पोक English. मु English कहिली. I spoke English. Okay. ये जगह रे I जगह रे आपनो we भी व्यवहार करिबे, you व्यवहार करंतु, they व्यवहार करंतु, he व्यवहार करंतु, she व्यवहार करंतु या जे कोनोसी लोकर ना व्यवहार करंतु.
कौनसी फरक पड़ब ना जमी आई स्पोक इंग्लीश मु इंग्लीश कहली वी स्पोक इंग्लीश आम इंग्लीश कहलु यू स्पोक इंग्लीश आपण इंग्लीश कहले दे स्पोक इंग्लीश से माने इंग्लीश कहले ही स्पोक इंग्लीश से इंग्लीश कहले ओके सी स्पोक इंग्लीश से झ इंग्लीश कहले सुनील स्पोक इंग्लीश सुनील इंग्लीश कहले ओके तो आपणकर जे कोनसे सब्जेक्ट हला सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस ऑब्जेक्ट एटा हला आपणकर पॉजिटिव सेंटेंस ओके एबे आमे देखिबा नेगेटिव सेंटेंस केमिति हेबो नेगेटिव सेंटेंस रे कोन होय थाय आपणकर एठी गोटे डिड आउ नॉट व्यवहार हेबो डिड आउ नॉट केमिति व्यवहार देखो केमिति व्यवहार हेबा केमिति व्यवहार हेबा देखंतु फॉर एग्जांपल आपणकर आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश हियर एठी कोन आपण नोटिस करले एठी आपण कोन यूज करथले स्पोक व्यवहार करथले किंतु ए जगह रे आपण रो स्पीक हे गला ता माने कोन होची आपण को जते बेले डिड नॉट बसिबो सेते बेले आपण को वी2 टा वी1 रे परिणत हे जीवो ओके तो एहार आपण को फार्मूला कोन रहइबो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट रहला एटा हला आपण को नेगेटिव सेंटेंस रो फार्मूला नेगेटिव सेंटेंस रो फार्मूला आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश ओके आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश सुनील डिड नॉट स्पीक इंग्लिश आपण एमिति भाबरे कहि पारिबे जदी आमे ताहाकु जदी इंटरोगेटिव सेंटेंस रे परिणत करिबा केमिति हेबो ए डिड टाकु प्रथम को धरि पळै आसीबे जदी इंटरोगेटिव सेंटेंस आमे भलो भाबरे जानि छी इंटरोगेटिव सेंटेंस दुई प्रकार गोटे हला यस नो क्वेश्चन आ गोटे हला डब्ल्यूएच क्वेश्चन तो डब्ल्यूएच जदी यस नो क्वेश्चन थबो आपण कोन करबे डिड को प्रथमे रखिबे उदाहरण स्वरूप देखंतु डिड यू स्पीक Did you speak English? आपण इंग्लिश कहिले की एथि क्वेश्चन मार्क देबे Did you speak English? ओके एथि Did I speak English? Did we speak English? Did you speak English? Did they speak English? Did he speak English? Did she speak English? Did Sunil speak English? आपण कहि पारिबे अर्थात did जेते बेले धरि आसीबे तापरे डिड परे कोन रहबे आपनकर सब्जेक्ट व्यवहार करबे सब्जेक्ट परे आपनकर वी1 व्यवहार करबे तापरे ऑब्जेक्ट व्यवहार करबे चलंतु मु आपनको कोन लिखि दिया फार्मूला लिखि दे आपनकर डिड प्रथमे हेबो तापरे सब्जेक्ट व्यवहार हेबो तापरे वी1 व्यवहार हेबो तापरे ऑब्जेक्ट व्यवहार हेबो तापरे लास्ट रे क्वेश्चन मार्क हेबो एटा को प्रकार सेंटेंस एटा हला आपनकर नेगेटिव सेंटेंस ओ सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे कोन करिवे आपण कर डिड को आगे को धरि आसीबे एटा हला आपण कर यस नो टाइप क्वेश्चन जदि डब्ल्यूएच क्वेश्चन जदि होय कोन करिवे उदाहरण स्वरूप मु गोटे लेखु छी यस व्हाट डिड यू स्पीक आपण कोन कहिले When did you speak? आपण केते बिले कहिले? When did you speak? आपण केते बिले कहिले? When did you speak English? How did you speak English? आपण कहि पारिबे. अर्थात कोन करिबे? आपण कर WH वर्ड को आगो को आनिबे. तापरे did व्यवहार करिबे. ओके तापरे आपण कर सब्जेक्ट व्यवहार करिबे. तापरे वी1 व्यवहार करिबे. तापर क्वेश्चन मार्क देबे एठी आपण कर ऑब्जेक्ट भी लिखि परंतु ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एटा हला आपण कर डब्ल्यूएच क्वेश्चन रो फार्मूला फॉर एग्जांपल मु कहू छी जे हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश आपण इंग्रजी केमिति कहले व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश आपण इंग्रजी को ठारे कहले तो एठी ऑब्जेक्ट भी आसु छी तापर क्वेश्चन मार्क देबाकू भूलिबे नाही तो सब बेले आपण कोन करिवे को जगह रे आपण कर वी2 हला आपण कर सिंपल पास्ट रे व्यवहार होचे एवं वी1 टा आपण केते बेले नेगेटिव सेंटेंस किबा इंटरोगेटिव सेंटेंस रे व्यवहार होचे एठारे किछि देखंतु सब वर्ड रो धरि नियंतु तीनटा वर्ड होचे तबा तीनटा फॉर्म होचे पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म वी1 वी2
एवं V3 जदि V1 V2 V3 को भलो भाबरे जाने नथिबे तेबे आपण करो को सेंटेंस ते भूल कर देबे आपण करो पास्ट सिंपल या पास्ट टेंस को भूल कर देबे एणु आपण करो वर्ब रो तीनटा फॉर्म विषय रे अंततः सब भलो भाबरे जानिबा नित्यांत जरूरी अटे। देखंतु मु जदि कहबी एठी आपण करो ईट ईट माने कोनो ईट माने खाइबा ईट एट eat at eaten एटा कहले eat at eaten I ate fish मु माछो खाइले I ate mango मु आंबो खाइले I ate bread मु ब्रेड खाइले एटा कहि परिबे एहर देखन तू किछि चेंज हि जोछि eat at eaten चेंज हे गला मु जदि कहबी go went gone ओके गो went gone एठी भी गो गो माने जीवा ओएन माने गला गन माने जाइछि बा जाइथिला ओके मु जदि कहबी आपण करो राइट ओके राइट राइट रोट रोट रिटेन यस रिटेन लेखिबा लेखिला लेखिथिला बा लेखि अछि एमिति कहबे किंतु किछि सेंटेंस बा किछि सॉरी वर्ब अछि जे जहा कि कोनोसी परिमाण रे भी चेंज हेबो नाही जेमिति कि मु किछि कहबी बैट 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 या बीड 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 बस 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 कट 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 पुट 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 रीड रेड रेड शॉट 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 या सेट 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 स्प्रेड 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 स्पाइट 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 कहि परिबे उदाहरण स्वरूप मु छेप पकाइले कोन कहबे आई स्पाइट आपण कहि परिबे नै आई स्पाइटेड मु छेप पकाइले नै आई डिड नॉट स्पाइट देयर मु सेठारे छेप पकाइले नै ओके आपण जदि कहबे सेठी रखि देली मु सेठी पेनटी रखि देली आई पुट द पेन ऑन देयर ओके मु टेबल ऊपर पेनटी रखि देली आई पुट द पेन ऑन द टेबल राइट आउ एमिति किछि इंटरेस्टिंग सेंटेंस करिबा जेमिति कि मु से झियोर प्रेम रे पड़िली कोन हबो आई फेल इन लव विथ द गर्ल ओके आई फेल इन लव विथ हर मु तांको प्रेम रे पड़िली ओके डिड यू फॉल द लव डिड यू फॉल इन लव विथ दैट गर्ल से झियोर प्रेम रे पड़िले कि नो आई डिड नॉट फॉल इन लव विथ दैट गर्ल आपण कहि पारिबे राइट सो एमिति भाबरे आपण कर कोन करिबे आपण को सेंटेंस निर्माण करिबे एवं पास्ट सिंपल को भलो भाबरे जानिबे आशा करू छी आपण पास्ट सिंपल को भलो भाबरे बुझि जैथिबे जेमिते पास्ट सिंपल रो पॉजिटिव सेंटेंस केमिते होउछि नेगेटिव सेंटेंस केमिते होउछि इंटरोगेटिव सेंटेंस केमिते होउछि आपण को फार्मूला माध्यम रे ओके फार्मूला माध्यम रे बुझि जैछि एवं केहा जानिबे एवं एलो ए फार्मूला आपण को सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एडा हला पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस हला आपण को डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जदि WH क्वेश्चन हेतिबो ताहेले कोन करबे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एहा को भलो भाबरे मने रखिबे जहा फल रे कि आपण जीवन रे केबे मध्ये भूलिबे नाही एणु मो वीडियो टी जदि आपण को जदि भलो लागिथिबो दया करे मो वीडियो टो को कोन करंतु कमेंट करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नाही धन्यवाद।